कौन रहता था यार यहाँ पे भाई, ऊपर देखो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और आज हम लौट आए एक न्यू वीडियो में, और आज हम जाने वाले हैं अपने पुराने वाले घर पे, यानी आज से 2-3 साल थोड़ा सा पीछे। तो अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ देख सकते हो, ये थोड़ा न्यू वाला घर है, और अभी हम जाएंगे वो पुराने वाले घर पे जहाँ हम लोग पहले रहा करते थे। तो चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से अभी अपने पुराने वाले घर पे, और जहाँ पे मैं सारी वीडियोस वगैरह बनाया करता था टिकटॉक के टाइम पे, क्योंकि तभी हम लोग रहते थे वहाँ पे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे आ गए, देख सकते हो लोकेशन। तो काफ़ी मज़ा आ रहे थे, दीपक ब्लॉग कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट ब्लॉग हमारा नेपाल का था, देख सकते हो हमारा कैंट भी किसी जन्नत से कम नहीं है। कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा है, कितनी क्लीनिंग है यहाँ पे, सारे चौराहे एक जैसे। तो इंसान जो पहली बार आता ना वो भटक जाता है यहाँ पे आके। टैंक यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बनाने के लिए थोड़ा। कितना क्लीन कैंट देखो आप। तो भाई देखो, हम लोग यहाँ पे बचपन में खेला करते थे, यहाँ पे रस्सी वगैरह लगे रहते थे हम लोग यहाँ पे खेल। तो भैया ये आ गया हमारा गेट, जो कि पुराना वाला घर था, और यहाँ पे हमने बहुत सारी टिकटॉक वीडियोस बनाई है। जो रोड रुकी हुई थी ना यहाँ पे भाई, पता 10 साल से रोड रुकी थी, 10 से 12 साल हो गए थे, रोड बनी ही नहीं थी, ये अब जाके बनी है। देखो इधर सब खेल रहे हैं वहाँ पे। तो वेलकम टू माय ओल्ड हाउस गाइस, देख सकते हो वो पूरा पीछे से लेकर ये पीछे। तो गेट लॉक है तो वहाँ पे तो नहीं जा सकते हैं, बट ये आपको दिखा देते हैं। कुछ बोला अंदर, पता नहीं क्या है। यहाँ पे हम लोग खेलते थे यार, पूरा कैसा हो गया है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। आगे जाने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ सांप वाँप बहुत रहते हैं भैया। ये देखो आप कैसा यार, वो अंदर में हम लोग खेलते थे अंदर वाले रूम में। अभी अंदर पता नहीं यार जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अंदर सांप वाप यहाँ पे बहुत रहता है, तो इस वजह से पता नहीं जा सकते या नहीं। और अब ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे था पानी का नल, और एक यहाँ पे था, दो कनेक्शन थे, जिसका अब नामो निशान पूरा हट चुका है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कब 18-20 साल से रह रहे थे यहाँ पर ही। और मतलब देख रहे हो आप कैसा हो गया, पहले तो रोड बनी नहीं कभी 10-12 सालों में, ऐसी पड़ी रही, और उसके बाद अब जाके बनी है, और अब इसका ये हाल हो गया है। देख सकते हो आप पूरा ये घर, पता नहीं इस वाला ये रूम खुला तो है, देखते हैं अंदर जाके क्या है, ट्राई करते हैं एक बार, सांप अपना हो भैया कुछ पता चले काट ले। ये देखो आप पूरा पेड़ वेड़ सब इसके ऊपर ही गिरा हुआ है, और यहाँ पे बारिश के टाइम अंदर से पानी टपकता था टप टप टप। देखते हैं अंदर कुछ सांप अपना हूँ। एक डंडा तोड़ लेता हूँ मैं उसके लिए, थोड़ा सा जाले वाले बहुत लगे कोई है। मैं दिखाऊं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा था अपना नाम वाम भी, पता नहीं वो दिखेगा या नहीं, किसी ने शायद इस पर पेंट कर दिया है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा था पूरा। अंदर तो पूरा अंधेरा है, लाइट वाइट कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो आप, ओ हॉन्टेड हाउस, सांप अंदर रह रहा होगा पक्का। हेलो कोई है, सांप ना आ जाए मेरे ऊपर। ये इसकी MCB खुली हुई है, देख लो आप लोग, ये रूम है। अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है, बट क्या पता कोई हमला कर दे एकदम से। या काट मत लेना यार ऐसे, बदतमीजी ना करना। कौन रहता था यार यहाँ पे भाई? ऊपर देखो कितना डरावना है ये। इस घर की मैं फोटोज़ भी है मेरे पास, जो मैंने खुद क्लिक किया था, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा।
ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे इसी घर की फोटो है कुछ साल पहले की। यहाँ पे भाई बारिश के टाइम पानी छूता था यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि एक कुछ रख देते थे ताकि पानी उसमें भरता रहे। कैसा था पुराना घर, कितनी यादें जुड़ी भाई यहाँ पे आके। देखो रॉड लगा हुआ अभी भी, तो ये देखो जैसे छोड़ गए थे ये टूटा हुआ, लास्ट टाइम जाते जाते टूट गया था, ये टूटा ही हुआ है अभी तक। ओए कौन है बाहर, कोई है बाहर शायद। ओए भाई क्या क्या रखा हुआ यार, ये पूरा भूतिया बंगला हो रहा है पूरा, एकदम लग रहा कि इसमें जंग लग गया पूरा। कैसा हो गया ये, चलो बाहर चलते हैं। और रूम तो बंद है अभी सारे। ये देखो भाई एक रूम में तो ये ताला लगा हुआ है, इसमें तुम नहीं जा सकते क्योंकि इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। और ये पेड़ पुराना, इसमें भी सांप रहता है इस बिल में। उस वाले रूम में तो मैं नहीं जाऊंगा, उसमें तो पक्का सांप होगा यार, उधर जाने के लिए कुछ है ही नहीं पता नहीं। चलो अभी इस वाले घर में भी देख ही लेते हैं, यहाँ तो पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है क्योंकि यहाँ साइड से जंगल है और यहाँ से सांप आता होगा अंदर जाता होगा। फिलहाल मैं अंदर इसके नहीं जाऊँगा ज़्यादा, और यहाँ से ही आपको दिखाता हूँ, देख लो आप यार कितना सन्नाटा हो गया। एक टाइम पे यहाँ पे हम लोग कितना खेलते थे, मज़ा आती थी कितना। तो भाई यही था घर पूरा, और पीछे भी है, और आप देख सकते हो पीछे आम आम के पेड़ लगे हैं, तो आम गिरता था सीधा इस टीन से होके नीचे गिरता था यहाँ पे। तो काफ़ी मज़े यहाँ पे किए हम लोगों ने, यहाँ पे वीडियोस भी बनाई है, वो पीछे खड़ी मेरी गाड़ी, यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी बनाई है इस रोड पे जब ये रोड नहीं बनी थी, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा स्क्रीन पर। तो गाइस आप देख सकते हो ये पहले की रोड है, और जो अब बन चुकी है वो अभी आपको आपने देखा होगा और आपको दिखाएंगे भी आगे। तो यही थी पहले की रोड, इस टाइप से बनी हुई थी, बहुत सालों से बनी हुई थी, ख़राब हो चुकी थी पूरी। तो देख सकते हो आप ये पूरा एरिया था पहले का। देखो पपीते का पेड़ जिसमें एक दो कच्चे पपीते निकले भी हैं, ये मैंने लगाया था और ये बड़ा हो चुका है काफ़ी, पहले तो खा नहीं पाया बट। और ये वाला पेड़ ये तो भाई बहुत छोटा था जब हम लोग यहाँ रहते थे, पूरा बड़ा सा हो गया। ये सहजन का पेड़ है, और चारों तरफ जंगल ही जंगल हो रखा है, पूरे पूरे इसको घेर रखा है, पूरा हॉन्टेड हाउस बना दिया। तो ठीक है गाइस, यही सब थोड़ा दिखाना था मुझे, थोड़ा सा पुरानी चीज़ें, पुराना घर अपना, और थोड़ा मतलब यहाँ पे आ गया थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ही बड़े हुए हम लोग, यहीं पर खेले बड़े पड़े जो भी है, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो भाई देखो यहाँ पे मैच हो रहा है वर्ल्ड कप फिर से, तो ये जो बॉलिंग और बैटिंग कर रहा है ना, ये इस लड़के के जितने छोटे छोटे थे जब मेरे साथ वीडियो बनाते थे, दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी ये बड़े हो चुके हैं, ये भी बड़े हो गए, इसके इतने थे ये, मैं बड़ा था पहले। मज़ा आता भाई स्टंप पे। हाँ छोटू, छोटू हम तो बड़े हो गए नहीं, छोटे छोटू बड़ा हो गया।